सीरीज सामान्य ज्ञान की सीरीज में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जीएस जीके की सीरीज में। आज उस इतिहास की सीरीज में जो हम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, जहां से आपके परीक्षा में प्रायः प्रश्न आते हैं। यह प्राचीन इतिहास का हिस्सा है और उस प्राचीन इतिहास के हिस्से को पढ़ने के लिए कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। कारण यह है कि हम आपको केवल प्रश्नों के उत्तर ही नहीं बताएंगे बल्कि इस प्रश्न के उत्तर कहाँ से और क्यों आए उनकी सीरीज को भी हम आपको हल करते हुए चलेंगे और आपकी एक बेहतर नोट्स बन जाएगी जब आप क्लास खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार कहने से नहीं आपकी मेहनत से होगा। पहला प्रश्न डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि आर्य भारत कब आए, लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आर्य कौन थे? जी हाँ, एक प्रश्न है आपसे, आर्य कौन थे? क्योंकि साथ में थियरी भी आपकी तैयार हो जाएगी, साथ में एमसीक्यू भी तैयार हो जाएगी, आपको लगेगा भी नहीं कि कब आपने इतिहास की सीरीज की कब तैयारी कर ली। जी हाँ, क्योंकि यह सीरीज आपके जीवन में बड़ी परिवर्तन लाएगी, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। आर्य कब भारत आए थे? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने बता दिया कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व माने सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होने के बाद भारत में आर्य आए थे। ये सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे। उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार गंगा नदी के क्षेत्र तक हो गया, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर तो आपको पता हो गया, ठीक है, इस प्रश्न का जवाब तो सही हो गया, लेकिन आर्य एक जाति विशेष को समझ गया, आर्य शब्द एक जाति विशेष को समझा गया। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है उत्तम या श्रेष्ठ। ये मूलतः अरि से निकला है जिसका अर्थ होता है आगंतुक या विदेशी। वैदिक सभ्यता को आगे देखेंगे हम, दो चरणों में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व और दूसरा 1000 से लेकर 600। माने वैदिक सभ्यता अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर वैदिक सभ्यता की बात करें, हम इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल, लिख लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अगर इस सीरीज को आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो इसकी नोट्स बना लीजिएगा सभी लोग, चाहे फेसबुक पे यूट्यूब पे कहीं भी देख रहे हैं। तो पहला होगा ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक काल। यह ऋग्वैदिक काल जो था यह 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट, लेकिन उसके बाद दूसरा जो है वो है उत्तर, दूसरा जो आपका है यह उत्तर वैदिक काल। कौन सा है? उत्तर वैदिक काल। इसका कब से कब है? ये 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। मान इसे हम दो भागों में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में इसे आराम से हम बांट सकते हैं, किसके लिए? अध्ययन के दृष्टिकोण से या अध्ययन में आसानी के लिए, ठीक है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? इसके बारे में विशेषता क्या क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। उत्तर ऋग्वैदिक काल में होता है, ऋग्वैदिक काल में क्या होता है, मतलब अगर ध्यानपूर्वक देखें तो जो ऋग्वैदिक काल होता है इसमें मुख्य वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अरण्यक, उपनिषद, उसके आधार पर उनकी सामाजिक स्थिति और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी उस पर हम लोग देखते हैं। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, इस काल में उपनिषदों की रचना होती है, अणकों की रचना होती है, ठीक है, जो ग्रंथ होते हैं उनकी रचना होना शुरू होता है। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक काल बड़ा है, उत्तर ऋग्वैदिक काल काफ़ी छोटा है। तब इसकी स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा और हो सके इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, क्योंकि यह सीरीज आपके लिए बड़ी ऐतिहासिक सीरीज होगी, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे कि जो आर्य थे, जी हाँ, जो आर्य थे वे भारत में कहाँ से आए थे? भारत में आए थे लेकिन आए कहाँ से थे, एक बड़ा प्रश्न है आपके लिए, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आर्यों का जो मूल स्थान है वो अल्पस पर्वत के आसपास है, अल्प पर्वत के आसपास के क्षेत्र से आए थे। जर्मन के इतिहासकार मैक्स मूलर के अनुसार ये मध्य एशिया थे। किसके? मैक्स, लिख लीजिएगा मैक्स मूलर क्या था, ये इतिहासकार थे, इतिहासकार थे,
ये सर्वमान्य है कि इन्होंने कहा था कि मध्य एशिया से आए थे। दूसरी बात याद रखिएगा कि आर्य सबसे पहले अफगानिस्तान और पंजाब में आकर बसे। भारत में आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? क्या कोई बता सकता है कि भारत में आर्यों के जो जानकारी के स्रोत क्या है? तो आर्यों के स्रोत की अगर हम बात करें और आप बात करें, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह ऋग्वेद होगा। कौन सा वेद? ऋग्वेद। सब लोग लिख लीजिएगा ऋग्वेद। इसमें 36 बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। कितनी बार? 36 बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब उम्मीद करते हैं यहां तक आपके प्रश्न आपके जवाब दोनों समझ में आ गए होंगे। आपकी नोट्स बन रही होगी ना? नोट्स बना रहे आप लोग ना? ठीक। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? सभी लोग जवाब दीजिएगा कि जब आर्य भारत में आए थे तो किस रूप में आए थे, कौन सा रूप था उनका? जल्दी से कमेंट कर बताइए कि जब आए थे तो किस रूप में आए थे। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। ये दरोगा भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपीपीसीएस, आरओ आरओ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? जी हाँ, वो सौदागर थे, खानाबदोश थे, शरणार्थी थे। बताइए क्या थे? देखिए ये दो बात है, यहां पे अगर खानाबदोश होता तो सही था, लेकिन सौदागर नहीं, इसलिए ये आपका गलत हो गया। शरणार्थी नहीं थे, आप प्रवासी भी नहीं थे। वो थे क्या? वो अगर भारत में देखा, जैसे अगर हम वर्तमान भारत की परिदृश्य आपके सामने अगर रखें, ठीक है, ये मान लो भारत था, वो यहां अफगानिस्तान से प्रवेश करते हैं। जब अफगानिस्तान से भारत में प्रवेश करते हैं तो चारागाह थे, मध्य एशिया से आते हैं, पूरब और पश्चिम की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। पूरब के बढ़ने पर अफगानिस्तान होते भारत में प्रवेश करते हैं। ये स्थानीय निवासियों को छोटे छोटे युद्ध करते रहते हैं, परास्त करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इस आधार पर हम उन्हें आक्रमणकारी मान सकते हैं। आक्रमणकारी थे और चारागाह थे, चारागाहों की खोज में, माने इसका आपलिक देकर हम दो प्रश्न आ सकता है कि या तो चारागाहों की खोज में थे, या वे छोटे छोटे युद्ध करते हुए स्थानीय लोग जो थे उनसे युद्ध करते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। माने इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो सी राइट आंसर होगा, इन अन्य विकल्पों के आधार पर। जिसकी वीडियो साफ नहीं चल रही है, 3 डॉट बिंदु पर क्लिक कर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले। वीडियो पूरी तरह से साफ HD क्वालिटी में चल रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन आप लोग से छोटी सी मदद चाहिए। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो उसको दबाने के बाद सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। अगला अगला सवाल है, निम्नलिखित में सबसे जो वेद है प्राचीन वेद कौन सा है? बताइए। ये तो उपनिषद, इसकी कोई बात ही नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं। लेकिन अब आप बताइए क्या होगा? सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। सभी साथी सबसे चारों वेदों के बारे में अगर आप कहें तो चारों वेदों के बारे में बता दे रहे हैं। सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, जो इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, सभी लोग अगर आप देख रहे हैं तो इसकी एक नोट्स भी बनवा देना हम, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है कि आपका हर हाल में सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन तब होगा जब आप अपना बेहतर देंगे। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप अपना बेहतर नहीं देंगे। आइए, सबसे प्राचीन वेद एकदम सही आप लोगों ने बताया है कि सर ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बारे में जान लीजिएगा, ये सबसे प्राचीन एक प्रमाणिक वैदिक ग्रंथ है। इसकी रचना सप्त छंदो प्रदेश में की गई है। इसमें कुल 10 मंडल हैं। मंडल कितने? 10। सूक्त कितने हैं? सूक्त कितने बताया कोई? 1028। पाठ कितने हैं? क्या तीनों पाठ का कोई व्यक्ति नाम बता सकता है? तीनों पाठ का नाम? साकल, ठीक, बालखिल्य,
बाल बाल खिल्ल और वास्कल, इसके तीन पार्ट हैं, दो या तीन सबसे प्राचीनतम है। इसका जो मंडल है वो दो और तीन सबसे प्राचीन है। देखिए प्राचीन कौन सा है और नवीन, मंडल में क्या है, दो और सात प्राचीन है और पहला और दसवां मंडल सबसे नया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा। गायत्री मंत्र किस मंडल में है? गायत्री मंत्र किस मंडल में है, कोई बता सकता है? गायत्री मंत्र किस मंडल में है? गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। ये सूर्य देवता को समर्पित है। नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। दसवां मंडल पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करता है। इसका पुरोहित होत्र होता है। इसका पुरोहित कौन होता है? होत्र। कौन पुरोहित? पुरोहित कौन होता है? होत्र। ऋग्वेद में यमुना नदी तीन बार, गंगा नदी एक बार उल्लेख हुआ है। मतलब यहां पर यमुना नदी का जिक्र तीन बार किया गया है। समझ में आया? माने यमुना नदी तीन बार और गंगा नदी का एक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद काल में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? वो सरस्वती नदी थी। सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित एवं महत्व की नदी मानी जाती है ऋग्वेदिक काल में। अगर आप कहें तो अन्य वेदों के बारे में भी बता दें हम आपको एक लाइन। अगर हम यजुर्वेद की बात करें, मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं, इसका संबंध यज्ञ से है। ये गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें यज्ञ और बलि संबंधित मंत्र है, ठीक है। इसमें सबसे पहले राजसू और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद को वेदत्री नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं सामवेद की बात करते हैं। ये गाने वाला है, इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ये इसमें सामदेव के मंत्र सूर को समर्पित है। ये पुरोहित उद्गाता कहलाता है जिसका गायन करता है। सामवेद का संबंध गंधर्व वेद से है। अगला अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद क्या है? देखिए जी, अथर्ववेद जो है ये ऋषि के नाम से इसे अथर्ववेद कहते हैं। अथर्व ऋषि के नाम से इसे अथर्ववेद कहते हैं। इसमें जादू, टोना, भूत, प्रेत, वशीकरण आदि के बारे में कहा गया है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में अथर्ववेद सभा समिति के प्रजातियों की दो पुत्रियां कहा गया है। मंत्रों का उच्चारण ब्रह्मा द्वारा किया गया है। गोपद इसका एक मात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। उपनिषद की बात कर लेते हैं। यह समीप बैठा था, गुरु के समीप एकांत बैठा हुआ ज्ञान होता है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इसे वेदांत कहा जाता है। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है, रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें ऐत्रेय है, कौशिकी है, ऋग्वेद से है, तैतरीय है, कंठ है, स्वातिश्वर है, ईश है, बृहदारण्यक है, यजुर्वेद से है, छांदोग्य है, केन सामवेद, ये प्रश्न मुंडक मांडुक के अथर्ववेद से संबंधित ये ब्राह्मण है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक को उपनिषद से लिया गया है। ठीक, लिख लीजिएगा सभी लोग। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, वो जरूर कॉपी कलम लेकर बैठेंगे ही नहीं, बल्कि इसे लिख लेंगे सभी साथी। नहीं लिखेंगे फिर आप इसकी जिम्मेदारी स्वयं लीजिएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक बेहतर नोट्स आपकी तैयार हो जाएगी, वो खासकर वो जो परीक्षा वाले प्रश्न है वो आपका तैयार हो जाएगा। हमें आगे बढ़ना, इसकी स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा। अगला है, ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा, ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। देखिए आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया। ऋग्वेदिक आर्यों की प्रमुख भाषा जो थी वो संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत थी। इसमें ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखे गए। ठीक, स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं आप। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? अभी जस्ट मैंने इसके बारे में भी चर्चा किया। मैं इसके बारे में जब बता रहा था मैंने कहा था, इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है, यमुना का उल्लेख तीन बार हुआ है, सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है,
महत्वपूर्ण नदी है, महत्व की नदी है, सर्वाधिक वर्णित है ये सिंधु है। मान इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ए होगा। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं यहां से आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, ये निःशुल्क क्लास देशहित में राष्ट्रहित में सभी के लिए है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। मैं उम्मीद करता हूं अब आपके से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, आप लोग सभी प्रश्न के जवाब पूर्ण रूप में देंगे। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बार एक सीट हमार। देखिए, शास्त्रीय संगीत की बात करें अगर हम तो सामवेद है। सामवेद के बारे में मैंने बताया आपको ऊपर, ये भारतीय संगीत का जनक इसे कहते हैं। अधिकांश मंत्र इसमें ऋग्वेद से लिए गए, उसका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता है। इस मंत्रों को उच्चारण करने वालों को उद्गाता कहते हैं। उद्गाता, एक प्रश्न आता है उद्गाता किसे कहते हैं, क्या बता सकते हैं कि उद्गाता किसे कहते हैं, इसका उपवेद क्या है, आप बताइए। सामवेद का उपवेद किसी को पता है, सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। जी हां, लिख लीजिएगा, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग लिख लेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा सभी साथी। यहां पे कुछ मिलान करना है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे आराम से मिलान कर लेंगे सभी लोग। देखिए कह रहा है कि जो ब्राह्मण है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध ब्राह्मण का वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का निर्माण उपनिषद, यह शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन करता है। उपनिषद को वेदांत कहते हैं। अथर्ववेद यह रीति रिवाजों की व्याख्या करता है। ऋग्वेद अवेस्ता के भाषा में समानता है, ऋग्वेद की तुलना अवेस्ता से की जाती है, जबकि अथर्ववेद जनसाधारण के रीति रिवाज जैसे जादू टोना, चिकित्सा संबंधी आदि जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने मिलान करा दिया। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है। इस सामान्य ज्ञान की सीरीज में आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्राचीन इतिहास, जिसका आज का अध्याय है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, बताइए। देखिए, अगर हम वैदिक युग के धातु का प्रयोग की बात करें तो मैं उम्मीद करता हूं यहां पर किसी का भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। यहां भी तांबा, क्या होगा तांबा? उत्तर वैदिक काल में तांबे के अतिरिक्त चांदी, सोना, लोहा का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये सब उत्तर वैदिक काल में, किसमें? उत्तर वैदिक काल में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए, तो हो गया आपका। अगला है ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, कि जड़े कहाँ थी? ब्राह्मणवाद जिसे आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, उसकी जड़े कहाँ से थी?
अगर यहाँ पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न, मैंने आपसे कहा कि ये परीक्षा वाले प्रश्न हैं, अगर आप परीक्षा में बैठने जा रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपको सिलेक्शन लेना है, तो ऐसे प्रश्न आपको प्राय परीक्षाओं में मिलेंगे। जी हाँ, चाहे से फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, आप जहाँ भी देख रहे हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सभी तो पहले से रेस के घोड़े हैं। इस युग की आरंभिक शताब्दियों में कैसे उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कठोर न होने के कारण इस समय उसकी जड़ें पनप नहीं पाई थी। वर्तमान ब्राह्मणवाद का रूप स्मृति काल अगर देखा जाए तो 200 BC से लेकर कब तक है, 200 AD तक, माने ईसा 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक है। आरंभिक शताब्दी से यह स्पष्ट होता है, माने इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो डी होगा। ठीक, अगला, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जवाब आप जरूर दीजिएगा। सभी साथी यार वीडियो को शेयर करिएगा, अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया ना, तो लाइक का बटन दबाने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। देखिए, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को माना जाता है। मनु की जो कृति थी उसे मनुस्मृति कहते हैं। इनकी जो कृति थी उसे क्या कहते हैं? मनु, लिख लीजिएगा सभी लोग। इनकी जो कृति थी वो क्या थी? मनुस्मृति थी। हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत इसे माना जाता है, मनुस्मृति को। अगला, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, यकीनन यह प्रश्न का लेवल आपके परीक्षा के लेवल के बराबर है, तो आपका ये दायित्व तो बनता है इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, अपने फेसबुक के स्टेटस पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, फेसबुक पोस्ट पर जरूर पहुंचेगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। नयन चंद्र, अमोक वर्ष, कंबन, विज्ञानेश्वर, रट लीजिएगा सभी साथी, विज्ञानेश्वर ने किया है, जबकि यह याज्ञवल्क्य स्मृति का टीका ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य स्मृति का टीका विश्व रूप अपयार के लिए लिखा है। इस प्रश्न का उत्तर सी राइट आंसर होगा। रट लीजिएगा, हो सके जरूरत पड़े इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। वैदिक युग में क्या था, सभी लोग बताइएगा। जल्दी से कमेंट करिए, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, सभी साथी कमेंट जरूर करेंगे। बताइए, देखिए, बहु विवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, यहां पर अनुलोम विवाह स्वीकृत था। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अनुलोम जो विवाह था वह स्वीकृत था। कैसे? अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग का पुरुष कनिष्ठ वर्ग की स्त्री से विवाह करता था। वैदिक युग के आरंभ में वर्ण व्यवस्था ज्यादा कठोर नहीं थी, इसी कारण समाज में अनुलोम विवाह स्वीकृत थी। वैदिक युग के प्रारंभ में इसमें क्या होता था, जो पुरुष होता था विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष और कनिष्ठ वर्ग की स्त्री, ध्यान दीजिएगा पुरुष, ये अनुलोम विवाह के बारे में लिख लीजिएगा, अनुलोम विवाह में जो मेल होता था वो कहाँ होता था, वो उच्च वर्ण से होता था, उच्च वर्ण से,
फीमेल कनिष्ठ वर्ण से, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, कनिष्ठ वर्ण से होती थी। माने इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह डी राइट आंसर होगा। विधवा स्त्री अपने देवर या अन्य पुरुष से विवाह कर सकती थी, स्त्री यज्ञ में भाग लेती थी, स्त्रियों के भी उपनयन संस्कार किया जाता था, वैदिक शिक्षा मौखिक दी जाती थी, दास प्रथा का प्रचलन था, समाज में अंतर जाति विवाह का प्रचलन था, बाल विवाह प्रचलित नहीं थे, बाल विवाह क्या थे, प्रचलित नहीं थे, बहु विवाह प्रचलित नहीं थे, विधवा स्त्री अपने देवर या अन्य पुरुष से भी शादी कर सकती। तो यहां पर मिला जो रहेगा, वैदिक के प्रारंभ में अगर देखें, प्रारंभ में युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था, क्योंकि यहां पर कठोर नहीं था। ठीक, चलते अगले प्रश्न की तरफ। कनिष्ठ वर्ण माने छोटा वर्ग, क्योंकि वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी प्रारंभ में। अगला, यहां पे भारत में आक्रमण का क्रम आपको सही से लगाना है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसका क्रम आसानी से सही लगा लेंगे और इससे बाहर आपकी परीक्षा में प्रश्न भी नहीं आएंगे। आर्य भारत पर आते हैं, आक्रमण करते हैं, भारत पे आते हैं, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे बताया आर्य आक्रमणकारी थे, ऊपर मैं भी बता रहा था, कुछ लोग कहते सर यहाँ गलत है, देखिए यहाँ पे क्लियर हो रहा है। आर्य लगभग 1500 ईसा पूर्व माने बीसी से लेकर 1000 बीसी तक थे। उसके बाद हूण की अगर हम बात करें तो हूण 460 एडी माने ईसवी में थे। अगर हम यूनानी की बात करें तो यह 326 बीसी से लेकर लगभग 325 बीसी तक, कुषाणों का लगभग 100 ईसा। मतलब अगर इस प्रकार हम लोग देखें, बीसी माने होता है बिफोर क्राइस्ट माने ईसा मसीह के जन्म से पहले। माने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बीसी को हम क्या लिखते हैं, ये होगा ईसा पूर्व और एडी का होगा ईसवी। ये बात थोड़ा सा आप लोग जानते रहिएगा, नहीं बार बार अभी आपको गलती होगी, इसलिए प्रश्न का उत्तर बी होगा, बीस का राइट आंसर होगा, बीस प्रश्न का। ठीक, कोई दिक्कत किसी कोई समस्या हो तो आप जवाब जरूर दीजिएगा। अगला अगला है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, बताइए जल्दी कमेंट करके। अच्छा स्लो पढ़ा रहे हैं क्या, इस प्रश्न का उत्तर होगा केदारखंड। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड, अगर कुमायूं की बात की जाए तो उसे मानस खंड है, गढ़वाल को केदारखंड। ठीक, लेकिन केदारखंड को और कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है। प्राचीन साहित्य में गढ़वाल कुमायूं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहते हैं। जैसे मैं यहां पर बता दूं आपको, शायद आपको गढ़वाल और कुमायूं यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग शायद किताबों में ना मिले। ठीक, स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड कहा गया है और कुमायूं को स्कंद पुराण की बात हो रही है, मानसखंड कहा गया है, मानसखंड कहा गया है। समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल प्लस कुमायूं, गढ़वाल प्लस कुमायूं को क्या कहा गया, उत्तराखंड कहा गया है। यह प्रश्न केवल आपको यहां मिल जाएगा, ठीक। चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अगर ऐसे प्रश्न आप नहीं पढ़ेंगे तो परीक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, परीक्षा और स्टैंडर्ड होती जा रही।
शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में क्या प्रयोग होने लगा? बताइए जल्दी से कमेंट करके। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, बाद में इसका प्रयोग क्या हुआ? सिक्का। क्या होता है? सिक्का। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा सभी साथी। निष्क शब्द का प्रयोग प्रारंभ में वैदिक काल में हार स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, बाद में इसका प्रयोग सिक्का के लिए होने लगा। जिसको वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, तीन डॉट विंडो पर क्लिक करके वीडियो क्वालिटी बढ़ा ले, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर। ऋग्वेद में अगर आपको लग रहा है यार बेहतर नहीं पढ़ा रहे हो तो बता दीजिए कोई भी कमेंट करके। आप लोगों की संख्या इतनी कम है यार, लोगों को पहुंचाइए, शेयर तो कर सकते हैं। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, एकदम वीडियो मुझे एचडी में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है? ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, फिर गलती करेंगे तो फिर आप समझिएगा, ठीक है? मैं अब तेजी से पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यार। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख इंद्र थे। कौन था? इंद्र था, इंद्र थे। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। क्या कहा गया है? विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर की संज्ञा दी गई है, पुरंदर की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद के करीब 250 सूक्त में इंद्र का वर्णन है। जी हां, 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है, ठीक, इंद्र का वर्णन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट सभी लोग क्लिक कर लें। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, किसके? पवन के, शाश्वता के, वर्षा वज्र के, अग्नि के। आपने देखा होगा किसके बाद, अगर आपको देखना है वीडियो को 360 पी पर देखिए सभी लोग, 360 पी पर आप देख सकते हैं, 720 पी पे देखिए फुल एचडी में। वर्षा एवं वज्र के, आज भी आप देखिए वर्षा होता है, लोग कहते हैं इंद्र भगवान वर्षा कर रहे हैं। वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता था, इनका प्रिय अस्त्र वज्र था। इनका अस्त्र क्या था? अस्त्र। अच्छा बताइए अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है, और शस्त्र में क्या अंतर होता है, कमेंट करके बताइए कोई। अस्त्र और शस्त्र में क्या होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, अस्त्र फेंक के मारा जाता है और ये लेकर मारा जाता है। ये बात अगर आप जानते रहेंगे, हो सकता है भविष्य में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए हिंदी में कि अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है, तो आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। क्लियर? बढ़े अगले प्रश्न की तरफ हम, या कोई समस्या है, कोई प्रश्न है आपके मन में? अगला है, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ये दो जगह से लिया गया है, एक तो आप जानते हैं, आज दूसरा चीज जानेंगे आप। बताइए सभी लोग, जो लोग इसे फेसबुक पे या यूट्यूब पे जहां भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं, मुंडक उपनिषद और इसका एक जगह और जिक्र मिलता है, यम नचिकेता, यम नचिकेता संवाद कंठोपनिषद, संवाद
कंठो उपनिषद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, ये आपको हमेशा हर किताब में मिल जाएगी, लेकिन एक चीज और आपको मिल जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत से ऑथेंटिक किताब पढ़ेंगे तब जाकर आपको ये मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है बताइए सभी लोग कमेंट करके, जल्दी जल्दी बताइए। पुराणों की संख्या कितनी है? 20, 16, 14, 18 कितनी है? यार इससे सरल अगर कोई पढ़ा दे, इससे बेहतर अगर कोई पढ़ा दे तो छोड़ दीजिए क्लास, पढ़ना बंद कर दीजिएगा, यकीन मानिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं अच्छा कि पुराणों की संख्या कितनी है। देखिए एकदम आसान सा प्रश्न है, फिर भी आप लोग नहीं बता रहे हैं। अगर पुराणों का नाम लिखना चाहे तो नाम अभी मैं लिखवा सकता हूं। पुराणों के रचयिता कौन थे पता किसी को? इसके रचयिता कौन थे? लोम हर्ष। लेकिन कहीं कहीं मिलता है उनके पुत्र उग्रस्वाग माने जाते हैं। इनके पुत्र कौन माने जाते हैं? उग्रस्वा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनकी संख्या कितनी? 18 पुराण है। क्या 18 के नाम लिखना चाहेंगे आप? क्या आप 18 के नाम लिखना चाहेंगे? पहला मत्स्य पुराण। एक प्रश्न पूछता है सबसे पहला पुराण कौन सा है? दूसरा मार्कंडेय पुराण। दूसरा कौन सा है? मार्कंडेय। तीसरा भविष्य पुराण। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, नहीं बाद में आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चौथा कौन सा है? भागवत पुराण। एकदम मैं क्रम से लिखवा दे रहा हूं, फिर आपका पूरी दुनिया ब्रह्मांड ब्रह्मांड पुराण। छठा ब्रह्मवैत ब्रह्म वैवर्त। सातवां पुराण ब्रह्म पुराण। आठवां वामन। नौवां वराह, सुवर का नाम है ये। दसवां विष्णु पुराण। रट लीजिए मेरी तरह, अगर आप नहीं रटेंगे ना। ग्यारहवां शायद वायु पुराण है क्या, थोड़ा कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा, शायद वायु पुराण है। ग्यारहवां वायु, गरुण विष्णु गरुण वायु, हाँ ठीक है। इसके बाद वायु, तब अग्नि आएगा। हाँ अग्नि, सही है सही, अग्नि आएगा। अग्नि के बाद तब फिर नारद आते हैं ना। 13 अग्नि गाय नारद पास, नारद जाए पद्म के पास। 14 फिर का आएगा पद्म, पद्य है। फिर लिंग, 15 कौन सा है? लिंग पुराण। लिंग पुराण। 16 गरुण पुराण, गरुण पुराण। 17 कुरु पुराण। 18 स्कंद पुराण, स्कंद पुराण, स्कंद। ये 18 पुराण है, ठीक है? एकदम रट लीजिएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको हर हाल में परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो याद होना चाहिए जी। मत्स्य मार्कंडेय भविष्य भागवत ब्रह्मांड ब्रह्म वैवर्त विष्णु ब्रह्म वामन वराह विष्णु वायु अग्नि नारद पद्म लिंग गरुण कुर्म स्कंद पुराण, 18 आपको याद करने होंगे। ठीक, मत्स्य मार्कंडेय भविष्य भागवत ब्रह्मांड ब्रह्म वैवर्त ब्रह्मा वामन वराह विष्णु वायु अग्नि नारद पद्मलिंग गरुण कर्म और स्कंद पुराण, ये 8 है। हमारे अगले के लिए इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। 18 थे। गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है? मैंने आपको बताया था गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो गायत्री मंत्र जो है ये सूर्य देवता को समर्पित है। इसको सूर्य देवता को समर्पित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका ऋग्वेद के
तीसरे मंडल में मिलता है? हिंदी में लिख देना क्योंकि तीसरे मंडल में इसका जिक्र मिलता है। एक बात और आपको मैंने बताया था कि सूर्य को यहां सवृत्त भी कहते हैं, सूर्य देवता को यहां पे अगर देखा जाए तो सवृत्त कहते हैं। हो सकता है परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाए। ठीक है, ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपनिषद के बारे में बता दिया, अथर्ववेद, पुराणों की संख्या 18 होती है। अगला, अब की बार एक्सिट हमार। देखिएगा, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना थी, इनमें किसकी उपासना थी? देखिए, ऑनलाइन क्लास से नोट्स के संबंधित जानकारी के लिए इलेनी भी दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप बात कर सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में चलती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, ये फेसबुक और यूट्यूब पे दोनों पर है। देखिए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना करना। आपने देखा होगा, हवा को भगवान मान लिया गया, पानी को भगवान मान लिया गया, सूर्य को, वर्षा को, मैंने जो भी इंसान को दिखा वो उसको सबको भगवान मान लिया। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। आर्यों ने प्रकृति की जो रहस्यमय शक्ति से प्रभावित हुए, वो दिव्य स्वरूप प्रदान किया और उन्हें देवताओं के रूप में स्मृति की, याद किया। कहीं कहीं देवता का नाम वही है जो उसकी प्राकृतिक क्रिया का, जैसे इंद्रदेव, जैसे वायु देवता, अग्नि देवता, ठीक है, जंगल देवता, ऐसे जो देवता हैं वो उससे सीधा सीधा प्रकृति के नाम से है, अर्थात प्राकृतिक शक्तियों से आश्चर्यचकित होकर उस समय के लोगों ने प्रकृति को ही भगवान मान लिया। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ए होगा। पशुपति किसमें मानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया, अगर लगातार लेक्चर लेने भी दुर्गेश पर आप पढ़ रहे होंगे तो यहां से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला सवाल आपके सामने है, ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? थोड़ा जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा भैया। देखिए, ऋग्वेदिक काल से पूर्व आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। ऋग्वेद में पशुधन एवं गाय का विशेष चर्चा की गई है, कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो जाता है, उत्तर वैदिक काल में इनका मुख्य व्यवसाय हो जाता है, ये ऋग्वेदिक काल है। अगर हम आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में देखें, उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों की प्रमुख व्यवसाय हो जाती है। ठीक है, क्लियर? किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? चलिए, चार आश्रम किससे संबंधित हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, चार आश्रम किससे संबंधित हैं? पहला ब्रह्मचर्य, पहला क्या होगा? ब्रह्मचर्य 0 से 25, दूसरा गृहस्थ माने 25 से 50, मतलब 26 से 50 मान लीजिएगा, तीसरा वानप्रस्थ, वानप्रस्थ क्या होता है? 51 से 75, वैसे 50 से 75 किताबों मिलता है। संन्यास आश्रम, ये 75 से 100 माने 7600। चार आश्रमों का वर्णन सबसे पहले कहां मिलता है, किस उपनिषद में मिलता है, ये कमेंट जरूर करके बताइएगा। इनका वर्णन सबसे पहले जाबलो उपनिषद में मिलता है, जाबालो उपनिषद में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका वर्णन यहीं पर मिलता है, इनका वर्णन यहीं पर मिलता है। ठीक, इसका विकल्प क्या होगा? जीवन के चार चरणों से, माने इस प्रश्न का जो सही विकल्प है ये होगा। ये चार चार
खंड में 25 के भागों में बांटा गया है। अगर फिर भी अगर आपको एक क्लास बेहतर ना लगे तो यकीन मानिए मेरा पढ़ाना बेकार या आपका पढ़ना बेकार है। इसकी क्लास की जो PDF है वो चाहे तो टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। ठीक है, अगला, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीही शब्द का क्या अर्थ होगा? ब्रीही शब्द का अर्थ होगा, जी हां, चावल। ठीक, ब्रीही के अलावा इसे एक और नाम से जानते हैं, गेहूं को गोधूम कहते हैं, चावल को क्या क्या कहते हैं, ब्रीही कहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसे तंदूल कहते हैं। हो सकता है आप बड़े परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप तंदूल आ जाए तो आप गलती मत करिएगा, आप बताइएगा ज को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि अभी की बार ऐसे ठमार के आने से नहीं, मेहनत करने से होगी। अब आप सोचिएगा अभी आपको कितनी और तैयारी करनी है, अभी कितना दूर है अपने सिलेक्शन से। जब तक त्रयी, तीन वेद को त्रयी कहते हैं, कोई कह रहा है त्रयी, जी हाँ, त्रयी का मतलब होता है तीन वेद से होता है, उपनिषद की पुस्तकें दर्शन पर आधारित होती हैं, पुरुष मेघ सतपथ ब्राह्मण में है। चलिए अगला, पारिणी किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? सभी लोग फटाफट, पाणिनी किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? बताइए जल्दी से कमेंट करके। भाषा और व्याकरण के, जी हां, इनकी संस्कृत व्याकरण की जो पुस्तक है वो कौन सी, अष्टाध्यायी। थोड़ी राइटिंग मेरी गड़बड़ है यार, अष्टा ध्यायी है, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है ये। किसकी है? संस्कृत व्याकरण, पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है ये। ठीक, अभी भी किसी को दिक्कत है? ब्रह्मचर्य में ज्ञान प्राप्ति होता था, पुरुषार्थ धर्म होता था, गृहस्थ आश्रम में सांसारिक जीवन होता था, अर्थ व काम उसका पुरुषार्थ होता था, वानप्रस्थ में ईश्वर ध्यान होता था मोक्ष के लिए, संन्यास में मोक्ष या तप मोक्ष के लिए होता था। ठीक, हाँ, अच्छा, चार आश्रम है, चार आश्रम का वर्णन कहाँ मिलता है? जाबालोपनिषद में। लेकिन तीन आश्रम का वर्णन कहाँ मिलता है? तो वह है छांदोग्य उपनिषद में, केवल तीन आश्रम का उल्लेख मिलता है। गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया है, गृहस्थ आश्रम को, ठीक है, श्रेष्ठ आश्रम माना गया है। आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था? आइए इसके बारे में भी हम आपको कई चीजें एक एक करके बता देते हैं। सभी लोग यहां पे मैं कई चीजें आपको बताने जा रहा हूं, लिख लीजिएगा सभी लोग। देखिए ये नंबर पहले तो आपके काम का होगा, इस नंबर की स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा घर बैठे क्लास और नोट्स के लिए। ये जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से चलती है, मेरी क्लास निःशुल्क और देशित में आपके लिए लाइव चलती है। देखिए हमने देखा कि जो आश्रम है, आश्रम चार आश्रम और तीन आश्रम, चार आश्रम का वर्णन कहाँ किया गया है? जाबालोपनिषद में। कहाँ पे? जाबालो परिषद में ना। लेकिन तीन की बात कहां किया गया? छांदोग्य में। लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उपनिषद में। लेकिन यहां पे वर्ण की बात की जाए तो यहां पे इस प्रश्न का उत्तर होगा चार वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इसके अलावा भी अभी आपको जैसे चार यज्ञ थे, यज्ञ कितने थे? अगर हम बात करें कि यज्ञ कितने थे, यज्ञ तो चार थे। कौन कौन थे, किसी को पता चारों यज्ञ?
चार यज्ञ पता है कौन कौन थे? राजसूय, अश्वमेध, वाजमेध और अनिष्टोम, ये चार यज्ञ थे। पंच महायज्ञ थे, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, प्रत्ययज्ञ, निर्यज्ञ, भूत यज्ञ। पंच यज्ञ के साथ त्रिवर्ग थे, धन, अर्थ, काम, इसे त्रिऋण से निवृत्ति होना आवश्यक था। विवाह, अनुलोम विवाह, उच्च वर्ग के निम्न वर्ग कन्या से विवाह करना, प्रतिलोम उच्च वर्ग कन्या निम्न वर्ग का पुरुष। मनुस्मृति के अनुसार अगर विवाह के प्रकार देखा जाए तो ब्रह्म विवाह, दहेज के साथ उसी श्रेणी के वर्ग के साथ विवाह करना, दय विवाह, यज्ञकर्ता या पुरोहित के साथ विवाह करना, आर विवाह, वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देकर विवाह करना, ठीक है, मतलब एक तरह से दहेज, प्रजापत्य विवाह, बिना किसी मूल्य की कन्या का विवाह करना, गंधर्व विवाह, इसे प्रेम विवाह कहते हैं, गुप्त विवाह कहते हैं, असुर विवाह, खरीद कर मतलब मूल्य देकर पैसा देकर खरीदना, राक्षस विवाह, कन्या का प्रहण करना या जबरदस्ती विवाह करना, राक्षस विवाह जिसे कहते हैं, पैचास विवाह, सोई कन्या या नशे में मस्त कन्या को उठाकर विवाह करना। तो यहाँ पर ये मनुस्मृति में विवाह के प्रकार दिए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे बाहर आपकी परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। और इससे अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, ऋग्वेद में युद्ध से अभिप्राय है गाय का निवेशन। उपनिषद को भारतीय दर्शन का जो स्रोत या पिता माना जाता है, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। हाँ जी हाँ, प्रेम विवाह होता था, उसे गुप्त विवाह कहते थे, उसी को हम गंधर्व विवाह के नाम से जानते थे, उसी को हम गंधर्व विवाह के नाम से जानते थे, गंधर्व विवाह के नाम से जानते थे। चलिए, 16 संस्कार होते थे जो गर्भाधान से शुरू होने के बाद मृत्यु तक चलते थे, अंत्योष्टि संस्कार। संस्कार 16 होते थे, लिख लीजिएगा, संस्कार की संख्या 16 थी, ठीक है। और कोई सवाल आपका, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? संगीत के सप्त स्वरों का उल्लेख सामवेद मिलता है, सारेगामा का जो उल्लेख वो सामवेद मिलता है, सारागाम में सुना होगा आपने। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, सुनकर लिखा गया था, ठीक। अवेस्ता जिस देवता का उल्लेख है उसे क्या कहते हैं? असुर का देवता, अहुरम जदा, ठीक। बाय बाय, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और क्लास में जुड़े रहने के बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। हाँ, टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके, इन लर्निंग पे दुर्गेश।